चटपटी और मसालेदार खबरों के लिए सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाइए और हर एक न्यूज सबसे पहले पाइए। भोजपुरी फिल्मों के सुपरस्टार पवन सिंह अचानक शादी करने से भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री तो हैरान है ही, तो वहीं भोजपुरी जगत के सभी फैंस भी हैरान है कि पवन सिंह ने आखिरकार शादी इतनी जल्दी क्यों कर लिया। जी हां, आपको बता दें कि सुपरस्टार पवन सिंह की शादी 6 मार्च को ही बलिया के होटल में ग्रैंड तरीके से किया गया। आपको बता दें कि सुपरस्टार पवन सिंह 6 मार्च को शादी करने के बाद 7 मार्च को उन्होंने दिल्ली में एक भव्य कार्यक्रम किया, तो वहीं 8 मार्च को कोलकाता में पवन सिंह ने अक्षरा सिंह के जमकर भोजपुरिया ठुमका लगाते हुए स्टेज पर दिखे। अब सभी लोग ये जानना चाहते हैं कि पवन सिंह अपनी वाइफ ज्योति को लेकर मुंबई के बंगले में कब पहुंच रहे हैं। तो हम आपको बता रहे हैं कि पवन सिंह आज मुंबई में अपनी वाइफ को लेकर पहुंचेंगे। जी हां, सुपरस्टार पवन सिंह अपनी ज्योति वाइफ को लेकर मुंबई के अपने बंगले में रहने वाले हैं, यानी एक बार फिर से पवन सिंह की जिंदगी खुशहाली से भरने वाली है। आपको बता दें कि पवन सिंह जितने अच्छे इंसान हैं उतने रोमांटिक इंसान भी हैं, क्योंकि पवन सिंह अपनी भोजपुरी हीरोइनों के साथ हमेशा ही रोमांटिक व्यवहार में रहा करते हैं, तो अपनी बीवी के साथ भी वो रोमांटिक में ही रहेंगे। लेकिन आपको बता दें कि पवन सिंह कब शिफ्ट होंगे ये अभी तक ऑफिशियली तरीके से नहीं पता चल पाया है, लेकिन उम्मीद जताई जा रही है कि पवन सिंह इसी बीक में अपनी वाइफ को लेकर मलाड वाले बंगले में शिफ्ट होने वाले हैं, यानी पवन सिंह की लाइफ एक बार फिर से शादीशुदा वाली जिंदगी चालू होने वाली है। आपको बता दें कि सुपरस्टार पवन सिंह की अचानक शादी से पूरा भोजपुरी इंडस्ट्री सन रह गया, और शादी के बाद पवन सिंह को सभी स्टारों ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट से लेकर उन्हें फोन तक शादी की बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हुए भी नजर आए।